ओके सो लेट्स स्टार्ट वोटिंग के बाद जो है जितने मैसेजेस मैंने पढ़े हैं मुझे लगा है कि आप लोग जनरल ओरिएंटेशन चाहते हैं पहले फिर आप गुरु गायने की और वीवीएफ को पढ़ना चाहेंगे और वैसे ठीक है स्टेप वाइज अप्रोच यही है हमेशा वैसे स्टेप वाइज ही जाना चाहिए सो मैं तो हम रेगुलर थ्योरी सेशन अब ये एस नहीं है एस ना हमारा 4-5 महीने का सेशन होता है दिस इज रेगुलर थ्योरी कोर्स ठीक है ये इसमें से मुराद ये है कि फार एफसीपीएस कैंडिडेट्स उनके पास ना टाइम ही नहीं है 6 महीने का उनका तो एग्जाम है 3 महीने बाद तो ये हम 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर कर देंगे फॉर एमसीपीएस इट्स जस्ट लाइक एस कोर्स क्योंकि 3 मंथ्स में जब उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उनकी जो है मल्टीपल रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे टिल देयर एग्जाम जो उनका मार्च में है ठीक है तो चले अच्छी अच्छी बातें वैसे मैंने पहले कहा था ना छोटे छोटे स्टेप्स थे बंदे के बिग चेंज आता है लाइफ में तो ये छोटे छोटे स्टेप्स के लिए ना कंसिस्टेंसी चाहिए वरना कंसिस्टेंसी नहीं है तो जिंदगी में फिर क्या है इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर हैबिट्स फिर तो सब चीजें हैफजेड हैं ठीक है इंस्टेड ऑफ दिस के सारा मॉड्यूल एक दिन में बैठ के करो जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल भी नहीं है और इतना आपके न्यूरॉन्स की सैचुरेशन भी नहीं है कितनी होगी एक टॉपिक की होती है रोज वो भी बड़ी बात है तो इससे बेहतर है कि डेली अपने 1-2 घंटे क्वालिटी आर्ट्स रखो और पढ़ लो ठीक है और यही लोग होते हैं जो चैंपियंस होते हैं वो उनको कुछ ख्वाब के पर नहीं लगे हुए होते आज के सेशन में हम प्लान करेंगे क्या हमारी सिलेबस आउटलाइन है फॉर एफसीपीएस एमसीपीएस एंड एनएमएस मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम कैसे होता है स्कोर कितना होना चाहिए और क्या हमने पढ़ना है ठीक है जो कैंडिडेट्स ऑब्वियसली ऑन गोइंग सेशन ज्वाइन कर चुके हैं उनको पहले ही पता है इन बातों का उनका अब सेशन हो चुका है इस पर ठीक है तो आई विल बी फास्ट ताकि वो बेचारे ज्यादा बोर ना हो सिलेबस आउटलाइन है सेम है एफसीपीएस एमएस एमसीपीएस लेकिन जो अप्रोच है क्वेश्चंस की दैट इज यू नो डिफरेंट एमसीपीएस के लिए थोड़ा वो होल्ड हाथ रखते हैं एमएस और एफसीपीएस में वो जो है ना बस नहीं रखते इसके लिए पंजाबी में कहते हैं चुप के रखते हैं अच्छा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना आपके एग्जाम की एफसीपीएस एमसीपीएस की ना ऐसे है कि 2 पेपर होते हैं पहले पेपर में भी 100 क्वेश्चंस हैं और दूसरे पेपर में भी 100 क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं सिंगल बेस्ट आंसर्स को एसबीए भी बोलते हैं और इससे मुराद ये है कि एक स्टेम होती है 5 चॉइसेस होती हैं और उसमें से सिंगल बेस्ट चूज करना पड़ता है इसका मतलब ये है कि 2-3 बेस्ट और भी हो सकते हैं मतलब आपको लगता है ऑप्शन ए और ई दोनों होती है तो इसमें से भी एक सिंगल बेस्ट तो है ठीक है ये तो होती है तो वो आपने चूज करनी होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 की 5 ऑप्शन में 4 खराब है ऐसा नहीं होगा यहाँ फंस जाते हो जब 2 क्लोज ऑप्शन आ जाती है तो उसमें से भी इंडिविजुअलाइज करके आपको चूज करना पड़ता है स्टेम देख के और यहाँ एक कैंडिडेट को की असेसमेंट होती है एक कैंडिडेट जो 5 ऑप्शन में से 3 एक्सक्लूड करने के लाइक है उसका मतलब ये है कि थीरी उसकी उस टॉपिक पे कमांड उसकी एवरेज है और वो कैंडिडेट जो 2 क्लोज ऑप्शन में से भी एक्सक्लूड कर लेता है ना इसका मतलब ये है कि उसकी कमांड जो है ना अपने टॉपिक पे वो एक्सीलेंट है ठीक है तो हर क्वेश्चन पे सीपीएसटी वांट एक्सीलेंट अप्रोच और ये इतने जालिम किस्म के बनाते हैं ऑप्शंस इनके स्टेम बड़े मासूम होते हैं इनकी ऑप्शंस किलिंग होती हैं आपको कोई बताया ना ये पेपर में ये था तो अपेरेंटली यू विल फील गुड यार अच्छा जब ऑप्शंस आती हैं तो फिर दिमाग ही उड़ जाता है नहीं उड़ता नहीं है मैंने बोला ना अच्छी एक्सीलेंट अप्रोच होगी तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सक्लूड इट एंड हम कर भी तो रहे हैं ना एंड द वे आई टीच यू पीपल उससे हम ऐसे ही करते हैं कि हमारी चॉइसेस क्या होंगी ऑर्डर क्या होंगे कौन सी ऐसी चीज है जो बजवर्ड के तौर पर काम आएगी और हम टिक कर लेंगे और बाकी सबको एक्सक्लूड कर देंगे राइट तो और ये जो पेपर 1 पेपर 2 है जो 100 100 मार्क्स का है ना सिंगल बेस्ट आंसर्स इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि पहला गाइनिंग होगा पहला ऑब्सको होगा ऐसा भी हो सकता है पहले 20 क्वेश्चंस यू नो जनरल गाइनिंग से हैं अगले 20 जनरल ऑब्स से हैं तो हैफजेड है हर अच्छे यूनिवर्सल एग्जाम में एक ना जो होता है कि भाई ऑनकोलॉजी से 20% आएगा लेबर से 20% आएगा इससे हम ज्यादा दे नहीं सकते लेकिन जीपीएसपी जो है ना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ये बहुत यू नो पॉसिबल है कि और लेबर से 90% पे पूरा पेपर लेबर पे घूम रहा हो और ऑनकोलॉजी के 2 ही क्वेश्चंस हो और ये भी पॉसिबल है कि किसी अटेम्प्ट में 90% ऑनकोलॉजी घूम रही हो और लेबर पे मे बी 3-4 क्वेश्चंस पॉसिबल है तो कोई स्टैंडर्ड किस्म का कि
तो इसका मतलब है किसी एक मॉड्यूल को भी छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं एमसीपीएस एमसीपीएस के, वो ओवेरियन सिस्ट के पीछे पड़े हुए होते हैं, 30 क्वेश्चन सिस्ट पे ही आ जाते हैं। कुछ मैंने देखे हैं कि वो डायबिटीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे कोई यू नो समझ नहीं आई कि कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि मेडिकल डिसऑर्डर से 20 क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ऐसा ही दे फॉलो। तो ये कैंडिडेट के लिए मुश्किल है क्योंकि वो बेचारा नहीं छोड़ सकता। अगर उसने चलो सोचा कि रिवीजन अच्छी नहीं हो रही तो यूं करता हूँ कि बिनाइन कंडीशन छोड़ देता हूँ, ये बड़ा यू नो रेयर सा टॉपिक है। और ये भी पॉसिबल है एग्जाम में बैठे तो वही बिनाइन कंडीशन अगले 90 क्वेश्चन में बेचारा देख रहा हो। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूजली हर चूंकि 200 क्वेश्चन हैं तो हर पेपर में 100 100 हो गया, हम और परसेंटेज निकाल लेते हैं तो हर पेपर में आपने 75% लेना है, देन यू आर पास। ऐसे जब तक एफएससी करते थे और इवन एमबीबीएस के प्रॉफ करते थे ना 60% काफी होता था, बट फॉर एफसीपीएस एमसीपीएस आर इवन एमएस यू नीड टू स्कोर 75%। ये बड़ा एक अच्छा स्कोर है, 75% से ज्यादा है कि आप 100 में से सिर्फ। मैं थोड़ा बिजी हूं आंटी। आप बिजी हैं, हम सेशन ले रहे हैं। ओके नो वरीज, अनम्यूट थे आप, खैर है। तो इससे ये है कि आप जो है ना 100 क्वेश्चन में से आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई ज्यादा ब्लंडर कर सके। बाय एनी मीन यू हैव टू पिक सिंगल बेस्ट आंसर्स ऑफ 75 क्वेश्चन। यू कैन आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन खराब हो सकते हैं, तो इसके ये 75 अचीव करना ना मुश्किल है। तो इसके लिए आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एंड में क्रैश कोर्स ले लो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और आप पास हो जाओ, क्योंकि जो रिकॉल्स हैं वो हमेशा एज ए रिकॉल नहीं आते, उसमें से दो तीन चीज ऑप्शन जो है ना ऊपर नीचे हो जाती हैं। पर जब वो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो फिर जब थ्योरी अच्छी नहीं है तो मैंने बोला ना एक्सक्लूड नहीं कर सकते तुम लोग, एक्सक्लूड करना कोई आम बात नहीं है, ये अक्कड़ बक्कड़ भी नहीं है। अच्छा, तो अगर हम 100 क्वेश्चन अगले पेपर के देखें तो उसमें भी 25% आप ड्रॉप कर सकते हैं और 75 आपने ठीक करने हैं। तो इसका मतलब है कि 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अगर नहीं भी आते तो 150 आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर क्वेश्चन को सही करने से 1% आएगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। वो सारे क्वेश्चन जो सबके गलत है उनकी परसेंटेज नहीं होती, और वो क्वेश्चन जो सबके सही है उनके भी लो मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो आधे लोग सही कर रहे हैं आधे गलत कर रहे हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा आपके पेपर के मुताबिक। पेपर जब देने जाओगे तो अलग से एक आपका बूस्टर सेशन हो जाएगा कि करना क्या एग्जाम में। अच्छा, दूसरी बात ये कि बुक्स एंड गाइडलाइन, अच्छी बात तो ये है कि अब सीपीएसपी ने ना अपने आप को थोड़ा सीधा कर लिया, गाइडलाइन देखने लग गई है, वरना तो वही ईबीएम ड्यू हर्स चाहे वो 10 साल से अपडेट नहीं हुई या वही आ रहा होता था। लेकिन अब जो हमारे एग्जामिनर्स हैं उसमें भी बहुत सारे एग्जामिनर्स खुद एमआरसीओजी हैं, राइट? बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ आ गए हैं। और वैसे आप देखें तो अपनी अपनी फैकल्टी को आपको पता होना चाहिए ना आपकी फैकल्टी में कौन कर रहा है, चाहे आप एमएस के कैंडिडेट, एमएस खैर यूनिवर्सिटी लेती है लेकिन उधर भी जो है जो मेन और चेयरपर्सन होता है ना वो प्रोफेसर होता है जो अप टू डेट होता है, जो कोर्सेज करवा रहा होता है, वो खुद ना भी पढ़े तो उसके नीचे वाला तबका उसको पढ़ा ही देता है गाइडलाइंस का। तो गाइडलाइंस जो है ना अब आपने इस पे अप टू डेट जरूर, ठीक है, एंड दे आर चेंजिंग देयर पूल एज वेल, अपनी कीज को भी वो अपडेट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, चलो मिस हैब हो भी जाता है, कुछ कीज हमेशा ही तंग करती हैं आपको भी मुझको भी, लेकिन देखो फिर भी 200 में से 200 तो ठीक नहीं करने, 25 तो है हर पेपर में आपके पास मार्जिन। तो कुछ ऐसी परसेंटेजेस होती हैं जो हमेशा किसी को भी नहीं आती, हमेशा हर पेपर में कुछ क्वेश्चन 10-15 होते ही हैं, बिलीव मी, जो मैं भी दूं ना पेपर मुझे भी ना आए। तो आप उन पे क्यों अपना हेड क्रैक करते हैं बैठ के कि हमने तो यही करने हैं, हमने तो परसेंटेज ही याद करनी है। जो आपका जो 75% क्वेश्चन है ना बेसिकली वो क्लिनिकल है, वो इंडिविजुअलाइज करके आराम से हो रहे होते हैं, आप आराम से कर भी सकते हो उनको, जो डुएबल थिंग्स हैं पहले वो कर लो, क्यों आप रेयर चीजों के पीछे भागते हो कि मैडम इसकी तो की जो है ना पता ही नहीं, सीपीएसपी को भी नहीं पता हमें भी नहीं पता वो कितने क्वेश्चन है। ठीक है, वो ट्रू नॉट का इंसिडेंस है, फलाना ढमकाना, ये कितने क्वेश्चन है आपके दोनों पेपर में, स्टिल कुछ चांसेस है ना 25 ड्रॉप करने के, आप उनके लिए छोड़ दें। ठीक है,
अब देखें यूट्राइन रप्चर के जो इंसिडेंसीज हैं या वी बैक है ईसीवी के हैं वो थोड़े घुमा के आते हैं. आपने 0.1% याद किया, एग्जाम में आ जाएगा 1 in 2000 और वो सारी ऑप्शन 1 in 200, 2 in 2000, 5 in 2000, वो मुश्किल हो जाता है करना क्योंकि डॉक्टर का मैथ मुझे लगता है मेरे जैसे ही है. तो उस पर टाइम जरूर वेस्ट करना है, बैठ के उसी परसेंटेज पे स्किप करो अपने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो उस पर, फिर कड़बक्कड़ उस पर कर लो. वैसे ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी रेयर सिचुएशन रेयर सर्कमस्टेंसेस के लिए आपके पास 200 क्वेश्चंस में से 50 तो है ना, जो गलत भी हो गए तो फिर भी पास हो रहे हो, और जो पास हो रहे हैं वो मींस इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी गलतियां की हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पास हो गए. हमें हम बहुत ज्यादा यू नो नहीं चाहिए होते हैं, वो वी जस्ट वॉन्ट एवरेज स्टूडेंट जो 75% स्कोर कर ले, हम उसको एवरेज कहते हैं, हम उसको पास कर देते हैं एग्जाम में, और सेम गोज फॉर यू अदर एग्जाम्स, ठीक है. अच्छा, अब अगर आपने मेडहोम के कोर्स ज्वाइन किए हैं तो उसका एक जो तरीका है उस सेशन को ज्वाइन करने का वो ये है कि आपकी जो कोर्स है वो मॉड्यूल में डिवाइडेड है. लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यूरोगाइनी, तो यूरोगाइनी का आपको प्लानर आ जाएगा कि इस दिन ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, और डेली उन पे लेक्चर्स आ जाते हैं, कुछ इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड होते हैं, तो आपने वो सुन लेना लेक्चर, ठीक है, और फिर आपको उस लेक्चर में ऑब्वियसली पावर पॉइंट भी होता है, प्रेजेंटेशन होती है, आप उसको स्क्रीनशॉट्स ले लें स्लाइड्स के, या कार्ड्स भी होते हैं, कुछ एडिशनल चीजें मैं ऐसे कार्ड भी शेयर कर देती हूँ वो देख लें, तो ये आपके स्टडी सोर्स पहला बन गया, ठीक है. लेकिन जितने अच्छे मैं नोट्स बना दूं ना या कोई भी आपका टीचर ट्यूटर बना दे, आप उसको कैसे ऑप्ट कर सकते हैं? एग्जाम तो आपने खुद देना है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक, आप एक इंडिविजुअल हो, यूनिक हो इस यूनिवर्स पे, है ना, तो व्हाई यू आर यू नो टेकिंग समवन ओन्स अंडरस्टैंडिंग फॉर यूर सेल्फ, क्रिएट यू नो फॉर यूर सेल्फ योर ओन नोट्स. तो आपने अपने नोट्स फिर भी बनाने हैं, दुनिया में अच्छे नोट्स की कोई लिमिट नहीं है, सबसे अच्छा नोट्स वो है जो आप बना रहे हो, जो आपके लिए वर्क करते हैं, ठीक है. और एक जो स्टैंडर्ड नोट्स में ये होता है कि लेक्चर से जो चीज इंपॉर्टेंट लगी या गाइडलाइन से जो चीज इंपॉर्टेंट लगी वो कट पेस्ट कर ली, टेबल काट लिए, लिख लिया हाथ से, ठीक है, या गाइडलाइन पे लिख लिया, कोई स्पेसिफिक की नोट्स लगा दिए, बट फर्स्ट पेज आप इंसिडेंसेस के लिए रख लें, फिगर्स के लिए रख लें, क्योंकि फिर वो प्रॉपर पूरी गाइडलाइन से ढूंढना मुश्किल हो जाता है. तो फर्स्ट पेज में सारे इंसिडेंसेस हैं रेलेवेंट टू दैट टॉपिक. फिर क्या होता है, जब मैं एक लेक्चर पोस्ट करती हूँ उसके बाद उसके कार्ड्स होते हैं, या आप उन कार्ड्स के बजाय स्क्रीन शॉट्स उसी लेक्चर से यूट्यूब पे होते हैं, स्क्रीन शॉट मैंने जो है वो अलाउ भी किए, आराम से आप ले लें. If you are watching that session on YouTube के secure links होते हैं, openly YouTube पे नहीं मिलते, through our library ही मिलेंगे आपको, however screenshots लिए जा सकते हैं. अच्छा, ये एक प्रोसेस हो गया, लेक्चर सुन लिया, नोट्स बना लिए साइड बाय साइड, लेकिन नोट्स ऐसे बनते नहीं है एक दफा में, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है अच्छे नोट्स बनाने का. खैर, आपने जगह छोड़ देनी है, फिर आप क्विज अटेम्प्ट कर लें. क्विज नहीं है तो मैं रिकमेंड करती हूँ ये वाली किताबें फॉर MCQs की प्रैक्टिस के लिए, उसे नॉलेज अच्छा मिल जाता है आपको और कुछ आ भी जाते हैं एग्जाम में. एंड्रयू मास्टरिंग MRCG 2 की बुक्स हैं, लेंच ब्रिटेस्ट आप IMM में करते होते हो, विलियम भी आप IMM में करते हो, बट विलियम बहुत लंबी बुक है, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, अगर वो कर ले तो दैट इज सफिशिएंट, ना भी करें तो इट्स ओके फॉर FCPS और MS, बट IMM के लिए ओके नहीं है, उसमें हम कराते हैं. ओके, तो क्विज अटेम्प्ट करके जो आपको डिफिकल्ट चीज लगती है, आपके जो डिस्कशन ग्रुप में आप उनमें एक्सप्लेन आर्ग्यू करें कि मैडम मेरी तो की ये है, आपने मुझे ये बताया, और सम टाइम पता क्या होता है 99% जो है नहीं क्या बोलूं इसमें, सम टाइम ये होता है कि मैं गलत होती हूँ, हमेशा ये नहीं होता कि टीचर ठीक है, टीचर भी इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज आर्ग्यू, कोई चीज तुम्हारे दिल में खटकती है ना तो यकीन करें यू आर राइट, ठीक है, तो डिस्कस करो उसका. चले, अच्छा, ये वाली जो ग्रीन लाइट है ना, ये मैं बाद में बताऊंगी, उसको छोड़ो. इसी तरह हमने एक टॉपिक किया है ना, लेक्चर सुना, नोट्स बनाए फ्रॉम गाइडलाइन, फ्रॉम बुक और फ्रॉम यू नो समरी कार्ड्स, बट अपने बना लिए, और एक क्विज उसका जो है, आप ये कुछ 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विज तो मैंने भी करवाई हैं, हर टॉपिक के जो कि नहीं है तो वो एंड्रयू मास्टरिंग से उनको देख लिया, और कोई भी चीज जो रेलेवेंट टू दैट टॉपिक आपको तंग करती है, समझ नहीं आती है, जो मैं बता रही हूँ उससे आप एग्री नहीं है तो आप आर्ग्यू कर ले, इस तरह वो टॉपिक हो गया ना, ये टॉपिक हो गया, बस ये हो गया टॉपिक, नेक्स्ट डे सेम टॉपिक,
मतलब नेक्स्ट डे जो है वो सेम वे में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ ले, ठीक है। मॉड्यूल का मैंने अब एक रिकैप सेशन में डिजाइन किया हुआ है, मतलब जैसे अब आज जीरो लगाई नहीं हम स्टार्ट करने वाले हैं तो इसका एक रिकैप आ गया, ठीक है। आपको अंदाजा होगा भाई हमने ये मॉड्यूल पढ़ना है तो इसमें क्या कुछ हमने पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम के लिए किस हवाले से वो पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा एक रिकैप सेशन हो जाता है। स्टडी सोर्सेज भी आपको पता चल जाएंगे। तो इस तरह करके मैंने बोला था ना, स्मॉल स्टेप्स और बिग चेंजेस, तो एक एक टॉपिक करते 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 आपके टोटल ओबीजी के जो मैंने लिखे हुए हैं वो 120 टॉपिक्स हैं आपके, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। 120 टॉपिक्स भी मॉड्यूल में है, मतलब 6-7 मॉड्यूल हैं। तो जब आपका ये सारे 120 टॉपिक्स हो गए तो अपना रिवीजन सर्किट एक बन कर लेंगे फॉर एमसीपीएस, तो भी टाइम है हमारे पास, बल्कि 2 रिवीजन्स होंगे फॉर एमसीपीएस टिल देयर एग्जाम जो कि उनका मार्च में, ठीक है। बट जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो फिर आपने मजीद खुद को रिफाइन करना है, दोबारा से लेक्चर ना ही सुनने तो बेहतर है, क्योंकि एक दफा सुन लिया, नोट डाउन तो कर लिया है, ठीक है। अब अपने नोट्स पे काम करना है, उस टॉपिक पर उसको पढ़ना है, और सेकंड में आप उन्हीं जो नोट्स को मजीद रिफाइन करें, टेबल्स बनाएं, एल्गोरिथम्स बनाएं, ठीक है, रीड करें, तो इस तरह से आपकी क्वालिटी की कुछ रिवीजन्स हो गए। यहाँ तक आपका थ्योरी कोर्स का हमारा साथ होता है, जिसमें हमें आपको आपका जो सिलेबस है वो प्रॉपर कंप्लीट करा देती हूँ, टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज और रिकॉल वाइज भी। 14 इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं सिलेक्ट करती हूँ और उनके मैं रिकॉल भी करा देती हूँ। ये वो बच्चा है जो कैपेबल है 75% लेने का आराम से, बिलीव में, ये वो बच्चा है जो आराम से ले लेगा, ठीक है। एमसीपीएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो आज हमारे साथ हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ बट जिनका हो गया, उनके बहुत सारे फीडबैक है। मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं उसको कंपाइल करती, 2 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, बट इतने ज्यादा थे कि मैं नहीं कर पाई। However, I will take, you know, 1-2 days, मैं उनको compile करके, I will share with you people, you will see के what they are saying. They were saying if you are good in your theory, जैसा कि आपने पढ़ाया, तो we were able to pick a suitable KN exam. तो ये जो theory के students होते हैं, इनकी जिंदगी आसान है, ना सिर्फ इनके थ्योरी एग्जाम के लिए, बल्कि इन्होंने देखो आगे टॉक्स भी तो देने होते हैं ना, और ऑब्वियसली इसका फायदा क्या है, आप अपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सके, तो नॉलेज अच्छा होता है, तो आप अप्रोच अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। चलें तो फिर, हाँ, जब आपके थ्योरी कोर्स खत्म हो जाते हैं तो फिर मेरा ना क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है। क्रैश कोर्स को मैंने इस दफा डिवाइड किया 2 मजीद सेगमेंट्स में, एक है थ्योरी का, अगेन फास्ट ट्रैक, और रिकॉल्स कोर्स, मतलब पेपर वाइज हम सारे रिकॉल्स कर लेते हैं। बट जब आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी हुई है तो फिर ये रिकॉल डिस्कस करना, एक्सक्लूड करना, उससे मजीद फाइनल आपकी ना ट्यूनिंग हो जाती है प्रिपरेशन की, तो वही फाइनेस्ट वे है। आप 75% पे खड़े थे ना, तो अब आप 95% पे खड़े होते हो, और यकीन करिए आप, बिलीव में, ट्रस्ट में, अगर आप ट्रस्ट का एलिमेंट कोई है जिंदगी में तो ट्रस्ट में, टेक माई वर्ड्स, अगर आप इस तरह से इसको अपने सिलेबस को करते हो, द वे आई एम टीचिंग यू, बहुत इजी है जिंदगी, जिंदगी इजी है, मजा आएगा ओबीजी में, ठीक है। चलो ओके, तो ईबीएम 2016 तक के जो गाइडलाइंस हैं उनके लिए अच्छी है, उसके बाद अच्छी नहीं है, चेंज होगी गाइडलाइन उसके बाद, तो फिर ईबीएम तो नहीं चेंज होगी, फिर आप वो पुरानी चीजें पढ़ेंगे क्या, ठीक है, नहीं करें। तो ईबीएम जो टॉपिक्स 2016 तक है उनके लिए यूज करें, उनके बाद वाले टॉपिक्स के लिए मत करें। ड्यूहर्स्ट अच्छी तो बुक है और ये 2018 तक अपडेटेड है, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं लगती, मे भी आपको अच्छी लगती है, मैंने पढ़ा जरूर है इसको, बट मुझे ना मुश्किल लगती है, इसमें बहुत ट्रायल्स लिखे होते हैं, फिर ट्रायल्स पूरा कहानी सुना के ना एंड पे क्या करते हैं, आपको छोड़ देते हैं अकेला, कंक्लूजन नहीं देते। अब कंक्लूजन बनाने के लिए और एक दिमाग कौन खपाए, तो ईबीएम थोड़ा सा, चलो इसमें इतनी इंसानियत तो है कि कंक्लूजन दे देती है, ट्रायल्स में नहीं घुमाती हमें। ऑनकोलॉजी वालों को पता चल गया होगा ट्रायल्स का, एस्टेक और पता नहीं कौन कौन से ट्रायल्स, ठीक है। 10 टीचर बेसिक बुक है, एमसीपीएस के बच्चों को बड़ी पसंद है, क्योंकि इससे पता नहीं कौन कौन लोग पास हो, बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब है, हाई रिस्क को शास करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओनली मुझे लगता है कि इफ यू आर फॉलोइंग ईबीएम और 2016 से ऑनवर्ड की जो अपडेटेड गाइडलाइन है वो करने हैं, तो बस ठीक है, काम हो गया, पास हो गए। तो गाइडलाइन के ये टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे मजीद आगे बताती हूँ। बट गाइडलाइन पढ़नी कैसे है, गाइडलाइन पे तो देखे ना, 2 15 15 16 16 पेजेस की, अब एक गाइडलाइन
इतने पेजेस की है और फिर 120 और टॉपिक्स हैं, तो फिर तो 1-2 साल चाहिए ना. और हमारे पास, हमने कहा हमने 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट करना है. और यही लॉजिकल वे है, एक्सेप्टेबल वे है, प्रैक्टिकल वे है. तो करना क्या है कि पहले तो पूरी गाइडलाइन का सर्वे कर ले आराम से, ठीक है, और फिर सिर्फ उसकी रिकमेंडेशन पढ़ें, ठीक है. जस्ट एक मिनट. रिकमेंडेशन पढ़ें. रिकमेंडेशन आपने बाय हार्ट करनी है. आप लेक्चर तो सुन चुकी हो मेरा. मेरा लेक्चर एक्चुअली टिपिकल गाइडलाइन बेस्ड नहीं होता, क्योंकि आई यूज टू ऐड डिफरेंट थिंग्स के मुझे पता है जो आपके रिकॉल्स में आ चुके हैं, मैं रिकॉल्स ऐड कर देती हूँ. बल्कि कुछ जगहों पे मैं आपके टॉक्स के साथ ही करवा देती हूँ, ताकि वन स्टेप में आपको उस टॉपिक पे बाय एनी मीन आपकी कमांड हो जाए. बट जब आपने गाइडलाइन पढ़नी है तो पहले क्या करना है, पहले स्टेप पे गाइडलाइन का क्विक सा सर्वे करना है कि बता क्या रही है, उसमें कितने टेबल्स हैं, है ना, क्या टॉपिक्स हैं. थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा. डो नॉट राइट एवरीथिंग, ठीक है. जो आपको अपील करती हैं चीज़ें, कोई इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, यू कैन यू नो अवॉइड ट्रिकी चीज़ें, ओनली क्लोज आप उनको रखें, अदरवाइज ना करें, ठीक है. गाइडलाइंस में हर, वैसे हर गाइडलाइन ग्रीन टॉप की इसमें रिकमेंडेशंस नहीं है. जो आई थिंक 2016 से पुरानी गाइडलाइन अपडेट आई थी ग्रीन टॉप की, और उसमें एग्जेक्टिव समरी नहीं है. हाँ, उसके बाद में है, और हमने तो वैसे भी 2016 के बाद वाली पढ़नी है ना, तो उनमें आपको एग्जेक्टिव समरी मिल रही होती है. तो सिर्फ एग्जेक्टिव समरी ही करें, जो बाकी बहुत ज्यादा डिटेल है आप छोड़ दें उसको, बिलीव मी. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं छोड़ना चाहते, और मैंने तो अपने FCPS के बच्चों को देखा है, वो तो भैया तुम लोगों पे तो ऑफरी है, और तुम लोग ईदीम पूरी पढ़ते हो, ड्यूहस पूरी पढ़ते हो, मेरे लेक्चर पूरे सुनते हो, और सारी किताबें करते हो MRCOG की, और इसके बाद तुम लोग ब्रिटिश ऑनकोलॉजी की गाइडलाइन भी कर रहे होते हो, फिगो की भी कर रहे होते हो. करते कैसे हो यार, चलो करो अनम्यूट खुद को. किया कैसे है तुमने ये, आई एम अमेज्ड, इतने मेहनती हो, माशाल्लाह जी. नाम लेके मुखातिब करूं, ये खुद ही बता दो कैसे करते हो, मतलब बहुत मेहनती हो माशाल्लाह. सानिया, जज़िबा, डॉक्टर रशीदा, आप लोग हैं इधर, सादिया बीबी, मैमूना उमर जी, मैमूना तुमने कोई गाइडलाइन छोड़ी है, घुमा के रख दिया तुमने मुझे ऑनकोलॉजी किधर हो आज, शायद ज्वाइन नहीं किया. देखिए मैं आई एग्री, रीडिंग मटेरियल बहुत ज्यादा है इससे ना, वैसे अच्छी बात तो है यू पीपल हैव टाइम, बट इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑनकोलॉजी के लिए मैंने बोला ना फिगो इम्पोर्टेंट है, तो बस वो पढ़ लो, छोड़ दो EBM और वो बाकी सारी चीजें और टोग आर्टिकल, ठीक है. चलें तो क्या करना है, ग्रीन टॉप गाइडलाइन में रिकमेंडेशन पढ़नी है और बाकी सब छोड़ दें, लिव में, ठीक है. लेक्चर ले रहे हो, कार्ड ले रहे हो, स्क्रीन शॉट्स ले रहे हो स्लाइड्स के, तो इतना कुछ तो पहले ही कर रहे हो, और साथ में क्विज भी कर रहे हो, और आगे आपने फिर फास्ट चेक और रिकॉल्स में जाना है, तो कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है. और वो उस चीज का कतन फायदा नहीं है जो बाद में एंड पे रिवाइज नहीं हो सकती. आपको लगता है आप इतना कुछ पढ़ने के बाद ये सब चीजें एग्जाम से एक हफ्ते पहले रिवाइज कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. तो सिर्फ रिकमेंडेशंस पढ़ लें. हाँ, रिकमेंडेशंस के अलावा जो अगर आपने यू नो एक स्क्रीन किया है, आपको कोई 2-4 बातें अच्छी लगती है, उनको बस हाईलाइट कर लें, और जब आप रिवीजन करें तो सिर्फ वो हाईलाइट्स पढ़ें, दोबारा से वो पूरी गाइडलाइन ना पढ़ें, ठीक है. और इस तरह आपके साइड बाय साइड नोट्स बनते रहेंगे. हाउएवर जो गाइडलाइन पढ़नी कैसे है, ये सिर्फ एक स्लाइड पे कवर नहीं होगा, इसके लिए 2 घंटे का एक सेशन है, और रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब पे, और पब्लिक ग्रुप पे अवेलेबल भी है, ठीक है. तो ये गाइडलाइंस हैं. अब ये देखें, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप EBM से नहीं कर सकते. जैसे देखो ओप्स कॉलेजेस की गाइडलाइन अभी अगस्त में 2022 में आ गई है, ऑब्वियसली मार्च वाले बच्चे और फरवरी वाले बच्चों ने भी यहीं से करना है. तो इसका मतलब क्या है, EBM ड्यूस में जितना भी ओप्स कॉलेजेस को लिखा है, 802, 802, विटामिन के 2, 237 पर डिलीवर करो, सब खत्म हो चुका है भाई, है ना. रिवाइज हो गया गाइडलाइन, टाइम डिलीवरी भी रिवाइज हो गया, और जो बायल चार्ट्स के लेवल है वो भी रिवाइज हो गए. तो इसको तो सब गाइडलाइन से करना है. स्टीराइड्स जो हर दफा हम कहते थे 39 पे सबको देने ही देने, अब वो रिवाइज हो चुका है, नहीं देने. तो आपने सिर्फ गाइडलाइन से करना है. सरक्लाज रिवाइज हो चुका है फैब 2022 में, तो अब वो ड्यूस से भी नहीं करना, EBM से भी नहीं करना है ना. एमनेसेंटिसी CVS के जो परसेंटेजेस थे, कॉम्प्लिकेशन हर जगह 1%, 1%, अब तो 0.5 है, और या तब ये रिकॉल तो 2021 में अपडेट हो गई है, इसे करें, ठीक है. इसी तरह GTD मोलर
बिल्कुल रिवाइज हो गया। अब देखो ये 2020 में गाइडलाइन आई है, ड्यूहस्ट में 2018 की बातें लिखी हुई है और ईबीए में 2016 की लिखी हुई है, तो वो तो करनी ही नहीं ना। व्हाई यू आर रीडिंग जीटीडी फॉर फ्रॉम ऑनकोलॉजी फ्रॉम ईबीएम आर ड्यूहस्ट, इसको सिर्फ इसी गाइडलाइन से करो जिसकी है। अब वजाइनल बर्थ जो है इंस्ट्रूमेंट की जो चॉइसेस हैं, कब लगाना है, प्लस वन टू थ्री फोर, क्या कैपेट, कितना घुमाना है, ये सब चीजें अब 2022 की गाइडलाइन आ चुकी है, यहाँ से करें, छोड़ दें बाकी टेंथ टीचर और शाज और विलियम और ईबीएम ड्यूहस्ट। इसी तरह 2019 में इसकी आई है परप्यूरियम और प्रेगनेंसी के कोलैप्स की, पी प्रॉम प्रीटम लेबर बिल्कुल चेंज हो गया 2019 में, इसका मतलब है ड्यूहस्ट से भी नहीं करना, ठीक है, वो जिसमें आप वो करते हो नाइट्रोजन टेस्ट सब में कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग। हाँ विलियम में लिखा, अब देखें जो एमसीक्यूज की बुक्स है ना वो उनके आथर ने रिवाइज ही नहीं की जब गाइडलाइन रिवाइज हुई है, और उन्होंने जो की बनाई है स्पेसिफिकली, मैं एचआईवी के लिए कह रही हूँ, तो हाउ यू कैन पिक दोज कीज, तो जो आपकी एमसीक्यूज बुक्स हैं उनको पढ़ना भी एक यू नो चैलेंज है। अगर थियरी अच्छी नहीं है तो आप तो नहीं कीज को एक्सप्लेनेशन को अडॉप्ट करोगे और एग्जाम खराब करके आओगे, तो अप टू डेट रहें प्लीज, ठीक है। तो और बिलीव मी एग्जाम सीपीएसटी वाले अब अप टू डेट ही दे रहे हैं, और जब इनका जो प्रोसेस है किसी पूल में से कोई क्वेश्चन पिक करने का, उसके रेफरेंसेस हैं वो दो तीन देने होते हैं, तीन चार जो एग्जामिनर्स होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं की को, किसी के सर में ना की लगी कि वो 2002 की गाइडलाइन से निकालेगा की और रेफरेंस भी लगाएगा अपना नाम खराब करने के लिए, जबकि 2022 में नई रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम लोगों को जिद्दी ज्यादा दुखी नहीं करती, फिर भी ऐसा होता है कि तीन चार क्वेश्चन ड्यू टू सीपीएसपी ऑन सिस्टम हम खराब करते हैं, हमारा कसूर नहीं होता, हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती, है ना। अभी कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे रिकॉल वल्वल इनवेसिव कार्सिनोमा में क्या करना है, वल्वेक्टमी में या रेडिकल वल्वेक्टमी, हाउ वी कैन यू नो पिक, ऑल्दो ये रिकॉल भी था लेकिन कर कैसे सकते जब तक स्टेज ही नहीं पता, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट ही होती है ना। अब इस किस्म के क्वेश्चन में फिर हम क्या करते हैं, जितना बेतुका स्टेम होता है ना उतनी बेतुकी ऑप्शन भी होती है, ठीक है, फिर हम सारी की सारी रॉन्ग है तो हम वो जो सबसे कम खराब है वो चूज कर लेते हैं। चलो प्रीविया की गाइडलाइन चेंज हो गई 2018 में, इसी तरह जीबीएस की चुकी है, इसी तरह ईसीबी की हो चुकी है, ब्रीच की हो चुकी है। अब ये ब्रीच वाले मसले मसाइल बहुत मुझे दुखी करते हैं, क्योंकि इसके लिए देखो 2017 में हो चुकी है गाइडलाइन रिवाइज, और वो कहते हैं ट्विन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रीवियस नहीं, प्रीवियस कार कॉन्ट्राइंडिकेशन है ईसीबी की, बिल्कुल भी नहीं है। 2017 से पहले जो गाइडलाइन थी 2009 में उसमें थी, बट अब 2017 में तो नहीं है, और ये बल्कि इसके अनफेवरेबल फैक्टर्स में भी नहीं आती, तो ये चेंज है। तो प्लीज अब तुम लोग जब पीडीएफ पढ़ते हो डिफरेंट बुकशॉप से या कोई शेयर कर देता है तो आपको तो लगता है ना ये गाइडलाइन है, आपको ये तो नहीं पता ना ये गाइडलाइन के बाद भी कोई नहीं आई थी, ये नहीं आई 2009 की पढ़ रहे थे बच्चे लास्ट टाइम सीपीएस पाल में, मुझे जो रेफरेंसेस आ रहे थे मैंने कहा हाँ मैंने तो नहीं पढ़ी, ये क्या चल रहा है ये प्रीवियस कार में, इसी विनिंग करनी इसी विनिंग करनी, खैर पता से चला कि वो बेचारे गाइडलाइन डिफरेंट शेयर कर रहे थे 2009 की, ठीक है, तो 17 की आई है यही करनी है। इसी तरह अब 2016 की शुरू हो गई है कि पोस्टमार्टम हेमरेज, तो अगर आप ईबीएम लवर हो तो यहाँ तक की जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये सारी जिसको मैं क्रॉस कर रही हूँ ये ईबीएम से ना करें, ये गाइडलाइन से कर लें, बाकी सबके लिए ईबीएम कर लें अगर ईबीएम लवर हो, ठीक है, ऐसे मैं भी ईबीएम लवर हूँ। तो बाकी सारी चीजें गाइडलाइन 2016 की 15 की 14 की वो ईबीएम ने जो लिखी है वो ठीक है, ठीक है, ये सारी वो सिकल सेल थैलेमिया मलेरिया लैप्रोस्कोपिक इंजरीज ये सारे वही वो सेम है, ठीक है। तो स्मार्ट बने अपने, ये आपकी जिंदगी है और आपका एग्जाम है या आपका करियर है, इसको ऑन करें, ठीक है, और ये बाय एनी मीन आप ही को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जिंदगी में जैसे कुछ रूल्स बनाते हैं ना अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, कुछ रूल्स बनाए एग्जाम कब देना है, बेस्ट टाइम चूज करें, जरूरी नहीं है कि आप भी पेपर दे रहे हो, बंदा भी पेपर दे रहा हो, बच्चे के भी पेपर हो रहे हैं आप स्किप कर दो, उनको देने हैं तो उनकी तैयारी कराओ, सेक्रीफाइसेस करना सीखें, फिर इनका बड़ा अच्छा स्वीट रिजल्ट होता है। ओके लेटेस्ट सोर्सेज पढ़ो यार, एफर्ट भी कर रहे हो
ठीक है, अभी जो मैं ऑन्कोलॉजी के मेरे बच्चों ने वो पता नहीं कितने सोर्स से गाइडलाइन, हाँ मुझे पता है मैंने बोला था कि हेमाटोलॉजी ब्रिटिश ऑन्कोलॉजी की अपनी गाइडलाइन है, बट मैंने कुछ टेबल्स के लिए बोला था, तुम लोगों ने तो पूरी की पूरी चार्ट ली और हाईलाइट्स कर ली। फिगो है लेटेस्ट सोर्स, हमने फिगो फॉलो करनी है। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनाइज एफर्ट करें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि प्रिंटर ले लूँ तो क्या कोई मसला थोड़ी ना, हार्ड कॉपी भी पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, फिर रिवाइज करते मसला होता है। मैं तो ये होता है ना, किताब पे लिख लिया, नोट्स डाल दिया, स्टिकी नोट लगा दिया, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब यू नो अगर किसी गाइडलाइन पे हाईलाइट किया हुआ है, फिर वो गाइडलाइन नहीं टाइम पे मिलती, फिर हाईलाइट्स नहीं, फिर सर में दर्द, मोबाइल, और मोबाइल को तो उठाओ तो हजारों एप्लीकेशन खुल जाती है, कोई फेसबुक, मतलब मुझे तो ये लगता है समटाइम मैं मोबाइल उठाती किसी और पर्पज के लिए हूँ, और मुझे एक घंटे बाद याद आता है कि मैंने क्यों उठाया था, और मैं कोई रील देख रही होती हूँ, कुछ ऐसे टाइम जाया। तो हार्ड कॉपी अच्छी है, प्रिंटर हो तो आप मेरे जो कार्ड्स हैं, जो मेरे स्क्रीन शॉट्स हैं, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, निकाल लें प्रिंटर। वैसे तो मैं ये नहीं कहती, वो कलर्ड होते हैं, आपका ज्यादा खर्चा होगा, आप लिख लें तो बेहतर है। ठीक है, तो बाकी जैसे 10 डेज में हमने कोई इन्फेक्शन पढ़ना, यूरोगाइनी पढ़ना है, तो आपको पता हो कि हम ये मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, इसके कितने टॉपिक्स हैं, और ये हमने इनके लेटेस्ट स्टडी सोर्सेज किए हैं। ठीक है, और इसके बाद रिकमेंडेशंस पढ़नी है, अगर गाइडलाइन की स्पेसिफिकली बात करूँ, नाइस में रिकमेंडेशंस नहीं है जितनी अच्छी ग्रीन टॉप में लिखी हुई है। जब भी आपने गाइड नोट्स बनाने हैं तो सबसे वाली जो पेजेस हैं वो एक पहला पेज ब्लैंक छोड़ दें, पर फिगर्स एंड परसेंटेजेस रिकमेंडेशंस को डिट्टो बिल्कुल प्रिंट आउट, सिर्फ रिकमेंडेशंस का ही निकालें, पहले 2-3 पेजेस का होता है वो तो चार्ट लें, और उसके बाद 2-3 ब्लैंक पे जोड़ रख लें जिसमें अपने इंपॉर्टेंट नोट्स डाल लें, कॉल्स लिखने हैं कि जो मैंने बताए हैं या क्विज में आ गए हैं। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट हैं आप तो पूरी गाइडलाइन को थॉरवली स्क्रीन कर लें, और यू नो आफ्टर रिकमेंडेशन 2-4 बातें आपको फिर भी अपील करती हैं और होती भी हैं, आप उनको जस्ट हाईलाइट कर लें। ठीक है, और फिर साथ में आप रिकॉल्स को हाईलाइट कर लें। तो पहला रूल क्या हो गया, आपको पता हो कि जिस मॉड्यूल को पढ़ रहे हो उसमें टॉपिक्स कितने हैं, उसकी लेटेस्ट स्टडी सोर्सेज क्या हैं। अब देखो यूरोगाइनी में सारे की सारी ग्रीन टॉप गाइडलाइंस नहीं है, ग्रीन टॉप गाइडलाइन आई थिंक सिर्फ बीपीएस की है, ब्लडर पेन सिंड्रोम की है, बाकी एचआरटी और जो इनकॉन्टिनेंस है उसको तो नाइस गाइडलाइन है सारी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या कहाँ से करना है। ठीक है, वो ऑब्वियसली यू आर इन माई सेशन, तो मैं तो पहले ही बता दूंगी आपको कि ये यहाँ से करना है। ठीक है, और इफ़ यू आर यू नो लिसनिंग माई सेशन, तो उसमें जो है उसके रेफरेंसेज ही गाइडलाइन पहले होती है, और फिर रिकॉल्स की वजह से कुछ टेबल्स इधर उधर से डालने पड़ते हैं जो कि गाइडलाइन से सॉल्व नहीं हो रहे होते। ठीक है, दूसरे नंबर पे आफ्टर रिकमेंडेशन, दूसरे नंबर पे जो रिकमेंडेड नहीं है बट स्टिल पार्ट ऑफ गाइडलाइन है कुछ चीज़ें, उनको स्क्रीन कर लिया, और थर्ड नंबर पे रिकॉल्स को देख लिया, दैट्स ऑल। ये रूल 3 रूल एंड 3 स्टेप्स हैं, अगेन देख लिया, रिकमेंडेशंस पढ़ें। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस होती हैं गाइडलाइन में उतनी ही इंपॉर्टेंट टेबल्स और एल्गोरिथम्स होते हैं, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर लें उनको कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, और उस 2-3 जो शुरू के पेजेस होते हैं वो खाली छोड़ दें, और आखिर के भी खाली छोड़ दें, उसमें नोट्स बनाते रहें अपने बैठ के। ठीक है, और नाइस के लिए ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आप स्किप नहीं कर सकते, और FSRH को तो गोली मारो ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे नहीं है FSRH को पढ़ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैंने इसको जब प्रिंट आउट कराया 1000 पेज बन गए, और सिर्फ FSRH के, बस इसमें जो टेबल्स हैं वो काम किए, हम जब मॉड्यूल करेंगे तो बस कर लेंगे, दैट्स ऑल, छोड़ो इसको सर का दर्द। हाँ बैश बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन और स्पेसिफिकली STDs वो बैश से ही करें, वरना तो तुम लोग जिंदगी भर कोई नहीं बताने वाला कब VVS स्वैब लेना है, कभी एंटर सर्वाइकल लेना है, कब कल्चर करना है, कब नेट कराना है, कैसे करना है। तो सिर्फ लेटेस्ट रिसोर्सेज गाइडलाइन बैच से ही पढ़ने हैं ये। ठीक है, फिगो के लिए फिगो अर्ली प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली जब टर्मिनेशन करनी है माइजो देके, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है, और WHO और CPSP इसी को ही फॉलो करती है, और कार्सिनोमास के लिए फिगो। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड ओपिनियन है वो ब्रिटिश गायनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की है, लेकिन इस पर खपने की जरूरत नहीं है, इसकी सिर्फ कुछ टेबल्स हैं वो करेंगे, करवा तो दिए हैं मैंने जिन ऑन्कोलॉजी किया है जिन्होंने। ठीक है, ये जो कैंसर रिपोर्ट है ना फिगो की, यही गाइडलाइन है। आप कुछ लोग कहते गाइडलाइन तो नहीं लिखा हुआ,
हाँ टोक भी हमने कुछ करने, जैसे यूरेटर के, लेप्रोस्कोपी के, पीसीएम का, यूटीआई का, पीसीओ के, पैल्विक वेन थ्रोम्बोसिस, ओवेरियन टॉर्जन, ओवेरियन सिस्ट, रिप्रोडक्टिव डेथ, इन सब के टोक आर्टिकल हैं, क्योंकि इन पे कोई गाइडलाइन ही नहीं है, तो हमने इनको टोक से करेंगे। ठीक है, एक्चुअली के डिजाइन में एक ढंग की गाइडलाइन एंडोमेट्रियोसिस की है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस के भी मसले ही है, नाइस की भी है इसकी गाइडलाइन, और एचरी की भी है, और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, लेकिन जब जो पेपर आता है जो पेपर आता है वो कहीं और ही से आ रहा होता है, तो उसके लिए अच्छी जुबान पढ़नी पड़ती है। चलो मैं करवाऊंगी इस टॉपिक को अच्छा सा। बाकी एशरी से हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस भी करेंगे, वरना तुम लोगों को समझ ही नहीं आती है एपीएलएस मोस्ट कॉमन काज है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस का या क्रोमोसोम्स, क्योंकि ना इसकी जो गाइडलाइन है एपीएलएस वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर एशरी के बाद थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। चलो बाकी एशरी में तो और भी बहुत सी गाइडलाइन है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्री की गाइडलाइन है, हम सारी नहीं पढ़ेंगे, वी विल जस्ट रीड फॉर आरपीएल, फॉर प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर फ्यू टेबल्स, एंड फॉर एंडोमेट्रियोसिस, बट एंडोमेट्रियोसिस के लिए नाइस भी करनी पड़ेगी। मॉड्यूल सेंड टू वे कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले बच्चे ना ही आए तो बेहतर है अभी सेशन, क्योंकि टाइम ही नहीं है एमसीपीएस का, सॉरी एफसीपीएस का एग्जाम तो फेब में है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि बस अपने उसको बोल जाओ, अपने थियरी पे कंसंट्रेट करो। जिनके जिन्होंने अपेयर होना है आफ्टर 6 मंथ, सॉरी, तो जिनके एग्जाम में 6 महीने का गैप है ना, तो आप अगर आप अपने करियर को ऑन कर रहे हो, तो सिर्फ खाली लफ्जों में ना ऑन करें, बाय योर एक्ट्स भी करें। ठीक है, होता है पता है क्या, तुम लोगों के साथ तुम लोग थीरी अच्छे करते हो, पास भी हो जाते हो, चलो एक अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में, बट वेन यू अपेयर इन टॉक्स, तो वो आपकी पहली अटेम्प्ट होती है फॉर टॉक्स या क्लिनिकल या वाइवा, जिस मर्जी बोलो इसको, तो वो आप तैयारी नहीं करते, आप कहते हो इसमें तो भाई हमने फेल ही होना है, क्योंकि सीपीएस में कौन सा पहली अटेम्प्ट में पास करती है। सीपीएस भी वाकई पहली अटेम्प्ट वाले इमेच्योर स्टूडेंट्स को पास नहीं करती, बट मैच्योर को तो करती है ना, और मैच्योर कैंडिडेट वो होता है जो बहुत अरसा पहले ही अपने टॉक्स की तैयारी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब आप थ्योरी कर रहे हो, व्हाई नॉट यू स्टार्ट टू प्रिपेयर योर एग्जाम एज ए होल, उसको टॉक्स के लिए पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम लोगों ने आई थिंक ऑनकोलॉजी में सेम किया है ना मेरे साथ, लास्ट सेशन वही था मेरा, कल टॉक्स का सेशन हुआ है, अब वो सुन के देखो कितना तुम लोग खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो लेकिन ये तब मैं कहा रिकमेंड करूंगी अगर आपके एग्जाम में टाइम है 6 महीने का मिनिमम, अदरवाइज मैं ये रिकमेंड नहीं करती, डू नॉट गो फॉर टॉक्स मैन, पहले फिर वही है ना जो सर पे पड़ा है एग्जाम वही निकालो। इसको छोड़ो, बस इसको छोड़ो 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 छोड़ो। अच्छा, हाउ टू कवर, अच्छा हमने क्या करना है, वैसे जो कॉलेज के आरसीजी के अपने मॉड्यूल हैं वो 14 है 14 है, बट मैंने इनको लेबर टेल यूरोगाइनी तक अपने अंदाज में डिजाइन किया है, द वे आई फील गुड, या और स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल रहते हैं, वरना इतने छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं घूम जाते हो। तो ये टॉपिक्स हैं आपके मॉड्यूल के, जैसे जनरल ओब्स और पोस्टमार्टम सेक्शन के ये मॉड्यूल टॉपिक्स हैं, मेडिकल डिसऑर्डर में ये टॉपिक्स की चेक लिस्ट है, मतलब अगर आप कहते हो मैंने मेडिकल डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, तो आपने कंप्लीट नहीं किया, अगर आप आपका ये लीवर रह गया अगर आपने एपिलेप्सी छोड़ दी है, ठीक है, या आपने ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक एपीएलएस एसएलई छोड़ दिया है, तो ये आपकी चेकलिस्ट है हर मॉड्यूल की, फीटल मेडिसिन की ये है या लेबर की ये है, लेबर लेबर में भी मसले है ना, इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और फिर पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस, फिर यूरोगाइनी आ गई, फिर नहीं इन्फेक्शन ही है, इन्फेक्शन को मजीद देखेंगे, अर्ली प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम, एसटीडी, नॉन एसटीडी, रैश, एनोमलीज कौन से कराते हैं, डिस्चार्ज कौन से कराते हैं, ठीक है, कौन से बैक्टीरियल हैं, कौन से वायरल हैं, कौन से फंगल हैं, कौन से पैरासिटिक हैं, अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है,
इसमें PUFM miscarriages है, stimulation syndrome है, hyperemesis है, GTDs, molar BC में आ जाता है, फिर general gynecology के ये सारे टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वैसे, और फिर यूरोगाइनी आ गया. ठीक है, यूरोगाइनी में अलग से अब कराती हूँ. आगे है इसके बारे में कुछ नहीं है. तो मैं ले जाती हूँ. कोई मसला है इधर अभी? अच्छा, इसका कोई तुक तो नहीं बनती स्लाइड की ओरिएंटेशन सेशन में डालने की FCPS की, बट चलो डाल देती हूँ. वो ये था कि लास्ट सेशन में हम सेंड कर रहे थे और CJN के टेस्ट ऑफ क्योर पे आप लोगों को थोड़ा सा मसला था, तो आप चूँकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपके साथ फेस टू फेस आने का, तो इसलिए अभी यही बता रही हूँ. जब CJN को आप ट्रीट कर लेते हैं ना, तो ट्रीटमेंट के बाद ऑब्वियसली कौन बायोप्सी कर ली है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन जोन राइट टाइप थ्री में टिल 25 mm तक टिश्यू निकाल के फेंक दिया. अब स्केमोकोलोमेर जंक्शन, वो टिश्यू निकाल दिया, अब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई. अब रिपोर्ट ही होगी ओके ओके आएगी ना, या तो ओके आएगी या फिर ओके से मरा दिया कि मार्जिन नहीं है, क्लियर है, मार्जिन नेगेटिव है, अच्छी बात है ना, या फिर आएगी कि पॉजिटिव है राइट. अगर यू नो नेगेटिव है तो फिर ये क्योर हो गया ना, फिर टेस्ट ऑफ क्योर होगा इसका, इसका 6 मंथ पे होगा और 6 मंथ के बाद 12 महीने पे होगा. ठीक है, और अगर इस यहाँ से देखें तो 18 महीने बन जाते हैं. और टेस्ट ऑफ क्योर से क्या मराता है, पहले HPV करना है, HPV अगर पॉजिटिव आता है तो वट एवर इज साइटोलॉजी गोल फॉर कॉल्पोस्कोपी. ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर मार्जिन पॉजिटिव आए तो फिर कोई टेस्ट ऑफ क्योर नहीं है. अब तो मार्जिन पॉजिटिव आ गए इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, रीसाइज उसको. ठीक है, हाँ अगर वो डिक्लाइन करती है कि मैंने रीसाइज नहीं करना, तो फिर 6 महीने 12 उसको असेस करें, HPV कराएं. HPV नेगेटिव आता है फिर 6 महीने बाद असेस करें, HPV नेगेटिव आता है फिर भी उसको एनुअली फॉर 9 ईयर कराते रहें, देखते रहें. ठीक, तो खैर अभी इसकी तो कोई तुक नहीं थी, ये वैसे खुल क्यों गया, इसका मैं बंद करती हूँ. PPT नहीं मिल रही. यूरोगाइनी पूरा टेन्योर हो जाएगा, फिर हमने 9 ईयर्स पे डालना है, मतलब 9 ईयर्स पे जो है ना एनुअली फॉलोअप पे डालना है. हाँ, अगर नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव होता है तो देखो CJN में तो फिर ज्यादा रिस्क होता है ना अकल्ट मैलिग्नेंसी का, तो फिर अगेन कॉल को फिर रीस्टेज करो, ये मे बी CJN ना हो, अभी कैंसर बना हुआ हो इनवेसिव. ठीक है, HPV अगर पॉजिटिव है तो फिर तो रीस्टेज करो ना सिचुएशन को. कॉल्पोस्कोपी की इनवेसिव लियन आ गए, बस फिर गो फॉर इनवेसिव लियन, फिर वो या तो मेलेग्नेंसी आ रही होगी, फिर मेलेग्नेंसी की स्टेजिंग करो, फिर स्टेज वाइज फिर दुनिया ही बदल जाएगी ना. ये फॉलोअप तब तक है जब तक HPV नेगेटिव आ रहा है, फिर दूसरा 6 महीने बाद है, फिर एनुअली जा रहा है 10 ईयर तक. मे बी ड्यूरिंग दिस पीरियड जब भी HPV पॉजिटिव हो हम उसको रिसेस करें और हमें मैलिग्नेंसी मिल जाए. नहीं मैडम, 6 मंथ पे पहले आपने टेस्ट ऑफ क्योर करवाया, वो नेगेटिव आया, उसके फिर 6 मंथ के बाद करवाना है या 12 मंथ के बाद करवाना? टेस्ट ना 12 मंथ के बाद, टेस्ट ऑफ क्योर डिफरेंट है ना, क्योर हो गया उसके बाद यू नो पोस्ट क्योर फॉलोअप कर रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं, लेकिन जब मार्जिन पॉजिटिव आ गया तो फिर टेस्ट ऑफ क्योर नहीं है, फिर तो उसका 6 महीने के बाद है, फिर 6 महीने के बाद है, और फिर एनुअली फॉर 9 ईयर है. चले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुम लोग नमाज वगैरह पढ़ लो, फिर यूरोगाइनी करते हैं. ओके मैडम. ओके, सो यूरोगाइनी करते हैं. अच्छा, यूरोगाइनी में क्या आपको डिफिकल्टी होती है, लेट्स मुझे सिर्फ थोड़ी असेसमेंट हो जाएगी तुम लोगों की. टेल मी, एग्जाम जिन्होंने दे चुके हैं जो रिपीटेड है ना, वो मुझे बताएं स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिकली अगर MCPS के कैंडिडेट हैं और उनका एग्जाम में कोई यूरोगाइनी पे कोई क्वेश्चन आया था जो उनके लिए डिफिकल्ट था,
हाँ पॉप की तो करेंगे, पॉप के लिए लाइव सेशन ही लेती हूँ मैं हमेशा, आपके साथ भी होगा। और पॉप क्यू की स्टेजिंग करना मुश्किल थी? कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ बताओ, लिखो। दिया बुखारी। इंटरेक्टिव रहते हैं, लेट्स डिस्कस। अस्सलामुअलैकुम मैम, वालेकुम सलाम। मैंने अभी रिसेंटली MRCUG दिया था, तो मैंने उसमें यूरोगाइनिकोलॉजी की थी। मुझे इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये ग्राफ्स लगते हैं, जिसमें ये समझ नहीं आती कि ये सिस्टोमेट्री पे क्या बता रहा है, ये ओवरफ्लो है या ये स्ट्रेस है। रियली फॉर एमआर से तो ये हलवा है। खैर इट्स ओके, बिगनर्स के लिए जी डिफिकल्ट है। हो गया था, लाइक मैंने ऑन्कोलॉजी भी तब नहीं की थी क्योंकि मेरी डिलीवरी थी, लेकिन बस हो गया तो अच्छा पास कर लिया है, हो अभी करना है। गया जुलाई में दिया था, वन दिया टू दिया? तो टू अरे वाह, तुम्हें तो पता है मेरा मेरा टू नहीं हुआ हुआ, तो मुझसे ज्यादा। तब डॉक्टर रानी का ग्रुप भी देखा था, पर बस मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरी डिलीवरी थी। मैंने कहा मैं तो पहले ही देख के, तो अच्छा मैंने सोच के मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, लेकिन बस हो गया अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मुझे ये ना CPS का डर लग रहा है, वैसे डरना चाहिए भी तो सही, MRCUG कैंडिडेट को FCPA से डरना चाहिए। क्योंकि आप लोग होते हैं गाइडलाइन पे फोकस करते हैं, वो आप लोगों के लिए हदीस है। हाँ आपको कुछ ग्रेड, हाँ बताते ग्रेड हैं टैब, तो कुछ पूछते हैं, हाँ कोई बिल्कुल, तरीका कोई तरीका है, कायदा है उस एग्जाम के। मैंने मैंने शुरू में बता दिया था इस एग्जाम का कोई कायदा नहीं है, और गाइडलाइन करके भी आप नहीं पास कर सकते। अभी आप हम यूरोगाइनी देखते हैं ना, मैं बताती हूँ इसमें से आता क्या है ना, नहीं पास होता गाइडलाइन से, एक एग्जाम पास नहीं होता। लेकिन अच्छी बुरी बात शायद ये है कि गाइडलाइन के बगैर भी नहीं होता, तो व्हाट वी शुड डू अपार्ट फ्रॉम गाइडलाइन, वो आपको अपनी रिकॉल्स बुक करनी है, आपके अपने पास पेपर्स करनी है बाय हार्ट, और टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। मैं भी ईबीएम ईबीएम कह रही हूँ, देर इज अ रीजन आप डूइंग ईबीएम। और आरसीओजी एग्जाम में इफ यू आर अपीयरिंग इन टू और थ्री, उनको ईबीएम का नाम भी नहीं आता, और ना ही वो उसको पढ़ना मुनासिब समझते हैं। मैंने भी नहीं की थी तब, लेकिन अब की है नहीं अब करनी भी पड़ेगी, ओपन जी। योर अब रिकॉल बुक पहले एंड हाँ, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। खैर नो वरीज, ये दोनों एग्जाम्स डिफरेंट हैं, आरसीओजी और FCPS डिफरेंट एग्जाम है, सिलेबस एक है। मैडम अब फिर आसान चीजें हो गई है। ग्राफ और ये सिस्टोमीट्री